चलो, हम लोगों ने अभी तक क्या किया, वर्क वाला पार्ट कंप्लीट किया था, अब हम लोग आ रहे हैं एनर्जी पे, है ना। एनर्जी क्या होता है बेटा? एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो काम करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। अब हंसे हम लोग बोलते हैं इट इज द कैपेसिटी टू वर्क, तो अगेन एनर्जी क्या होती है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगेन एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी अपने आप में क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी क्या होती है? अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसकी एसआई यूनिट क्या होगा? जूल। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। हाँ, मतलब वर्क की भी एनर्जी क्या होती है? जूल होती है। एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इनफैक्ट इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू हाँ वही वही, इसलिए करा, हटाया इसको। दिस का वन न्यूटन मीटर होगा, वन जूल इज इक्वल्स टू हाँ, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम, ऑल वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी, ऑल वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी, ऑल एनर्जी इज यूज्ड टू डू वर्क, ऑल एनर्जी इज यूज्ड टू डू वर्क। ये कौन बोलता है? वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी, ठीक है ना। अब सुनो, जब हम लोग एनर्जी की बात करते हैं बेटा, तो दुनिया में बहुत सारी तरीके की एनर्जी होती है ना, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ना है? हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी हमें पढ़नी है, ये अपने आप में कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कितने टाइप की होती है? दो। पहला होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। पहला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, ठीक है ना। यहाँ पर बाय पोजिशन हम लोग क्या समझते हैं? हाइट। यहाँ पर बाय पोजिशन हम लोग क्या समझते हैं? हाइट, ठीक है ना। और जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बाय मतलब उसकी वजह से, ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यहाँ पर बाय मोशन हम लोग क्या समझते हैं? उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से उसके पास जो एनर्जी होगी, वो उसकी एनर्जी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। क्या इतनी कहानी समझ में आई? हाँ क्या किसी को कोई परेशानी? काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करते हैं। पहले देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? डेरिवेशन फॉर फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे? हम लोग बोलेंगे कंसिडर अ बॉडी, कंसिडर बॉडी अ बॉडी ऑफ मास एम, ऑफ मास एम विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट कॉमा अक्वायर्स अ वेलोसिटी वी, अक्वायर्स अ वेलोसिटी वी अंडर गोइंग एन एक्सेलरेशन ए, अंडर गोइंग एंड एक्सेलरेशन ए कॉमा कवरिंग अ डिस्टेंस एस, कवरिंग अ डिस्टेंस एस, कवरिंग अ डिस्टेंस एस। देन वर्क डन, देन
v undergoing an acceleration a covering a distance s. Then work done is stored as kinetic energy. ये जो हमने इतना सारा काम किया stored, then work done is stored as kinetic energy. ठीक है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है? वर्क डन के. दुनिया की सारी एनर्जी वर्क के इक्वल होती है, और सारा वर्क किसके इक्वल होता है? एनर्जी के. और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इन टू एस, दैट इज एम इन टू ए इन टू एस. यानी कि काइनेटिक एनर्जी के पास का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस. शांति. ठीक है ना. According to third equation of motion, according to third equation of motion, v square is equals to u square plus 2as. Yani ki v square minus u square is equals to 2as. ठीक है ना. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि v square minus u square upon में 2 is equals to क्या? As. ये क्या आ गई मेरे पास? एस की वैल्यू. इसको डाला इक्वेशन नंबर वन और इसको डाला इक्वेशन नंबर टू. अब यहाँ पर एस दिख रहा है, इस एस की वैल्यू कहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी? यहाँ. तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन वन वी गेट क्या मिल जाएगा? KE is equals to M into V square minus U square upon me 2. लेकिन U तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? KE is equals to MV square upon me 2, that is half MV square. आया समझ? तो हम लोगों ने kinetic energy का formula क्या derive कर लिया? Half MV square. आया समझ में? चलो लास्ट चीज आज की क्लास की, डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. ये सब दो दो बार लिख के आना. रशियन रेवोल्यूशन तो हमारा प्रिपेयर होगा ना? नहीं, मां जी प्रिपेयर है. ठीक है ना. डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन लिखेंगे, जब हम लोग किसकी डेरिवेशन लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन लिखेंगे, तो हम लोग अगेन लिखेंगे क्या? कंसिडर consider a body of mass m consider a body of mass m which is lifted to a height h. ठीक है. देन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. तो ये जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, इसको हमने कैसे स्टोर किया? पोटेंशियल एनर्जी जैसे. तो इसका मतलब क्या हो? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? लेकिन वर्क डन क्या होता है? एफ इन टू एस, बिल्कुल पुराने जैसा. लेकिन एफ इन टू एस क्या होगा? एम इन टू ए इन टू एस. जब हम लोग ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, जब हम लोग ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो ए किसके इक्वल होगा? जी. और एस किसके इक्वल होगा? एच के. देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी वुड बी कितना? एम जी. क्या डेरिवेशन खत्म हो गया? हाँ, इजी है.
बहुत इजी था, ये दो लाइन का डेरिवेशन।